रेस्टोरेंट देखिए, अब छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं, 4 नंबर 5 नंबर का आपको आएगा। जैसे कंपनी से ए लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, व्हाट जनरल इंट्रीज विल बी मेड व्हेन शेयर इशू एट पार एट इशू एट 10% डिस्काउंट इशू एट 20% प्रीमियम, क्या जनरल इंट्रीज होगा। देखिए आप किस तरह का 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कंपनी से, ए लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, व्हाट जनरल इंट्रीज विल बी मेड व्हेन शेयर इशू एट पार। पार का मतलब सेम वैल्यू, 10 रुपये का चीज 10 में बेच रहे हैं, पार हो गया। 10% डिस्काउंट मतलब 10 का चीज 9 में बेचे, और 20% प्रीमियम यानी 10 का चीज 12 में बेचे, दैट आपका एंट्री क्या होगा। तो व्हेन शेयर इशू एट पार में एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए 10,000 शेयर है और रुपीज 10 ईच है तो कितना आएगा, 1 लाख होगा। फिर से समझिए, पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। 1 लाख का सेवा ना 10,000 शेयर है और रुपीज 10 ईच है, इट मीन्स 10,000 × 10 दैट इज 1 लाख। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, होगा ना। जैसे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका 1 लाख 1 लाख होगा। नेक्स्ट व्हेन शेयर इशू एट 10% डिस्काउंट, हमने बताया कि देखिए 10% डिस्काउंट है तो 10 रुपये का शेयर में 10% डिस्काउंट होगा तो कितना हो गया, 9 रुपये हो गया, और 9 रुपये को 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 90,000। तो आपका होगा बैंक अकाउंट डियर 90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डियर 10,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर से समझिए, व्हेन शेयर इशू एट 10% डिस्काउंट, 10% है डिस्काउंट में हुआ है तो 10 रुपये शेयर का दाम, उसमें 10% घटाइएगा, 10 का 10% 1 रुपया घटा तो 9 रुपये हुए, शेयर कितना आपका 10,000 है और 9 रुपये से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90,000 ही मिलेगा। तो होगा बैंक अकाउंट डियर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपका 1 लाख होगा। तो 10,000 जो डिस्काउंट दे रहा है कंपनी, दैट इज अ लॉस एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल लॉस विल बी डेबिटेड। तो डिस्काउंट इज अ लॉस ऑफ अ कंपनी व्हेन शेयर इशू में यदि डिस्काउंट कर रहा है तो दैट इज अ लॉस, ये डेबिट हुआ 10,000, 90,000 मिला और शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख। क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट, व्हेन शेयर इशू एट 20% प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब ज्यादा हो, जैसे 10 का 20% कितना होगा बेटा, 2 रुपये, तो 10 का शेयर 12 में हो गया, तो 10,000 शेयर इशू किए 12 रुपये करके तो आपको कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डियर 1,20,000 होगा। 10,000 × 12 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डियर 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 होगा। फिर से समझे, आपका शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, 20% प्रीमियम होगा, 10 रुपये का 20% 2 रुपये होगा, यानी 10 का शेयर कितने में इशू हुआ, 12 रुपये में हुआ, तो 12 रुपया करके कितने शेयर इशू किया आपने, 10,000 शेयर, तो आपका पैसा कितना आएगा, 10,000 × 12 आपका 1,20,000 आएगा। तो बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपका 1,20,000 आएगा। अब उसका नेक्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डियर 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 हो रहा है, देखिए 2 रुपया करके 10,000 पर प्रीमियम कितना होगा, 20,000। इस तरह आपको बनाना है और समझना है, ये 4 नंबर 5 नंबर बहुत ईजी पटपट नंबर आएगा। जैसे शुरू में 1-1 नंबर वाला है, मान लीजिए 10-15 नंबर 1-1 नंबर का है, 15 नंबर शेयर हो गया, ये 4-5 नंबर का 3-4 क्वेश्चन आ गया तो 20 नंबर और हो गया, 35 नंबर, इस तरह आपका स्कोरिंग होगा। इसलिए आपको छोटा छोटा क्वेश्चन को भी पढ़ना है, क्योंकि उसी से आप बड़ा क्वेश्चन खाली नहीं आएगा, सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का 2 मार्क्स का 6 मार्क्स का 8 मार्क्स का, और आपको हर क्वेश्चन को बनाना है, इसके लिए हर टाइप का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन सब, इसलिए बी केयरफुल, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस होगा। और देखिए बेटा बार बार बोल रहा हूँ कि स्कोरिंग पेपर में यदि स्कोर आ जाएगा और थ्योरी में आप स्कोर लाइए तो आपको 70-80% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए मेहनत कीजिए आराम से हो जाएगा।
इसके बाद फिर हम बताएंगे, इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। अभी आपको फिर कल बताएंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैसे हम लोग शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश होता है। जैसे मान लीजिए कब होता है, जब व्हेन कंपनी परचेज एन एसेट्स एंड अगेंस्ट एसेट वैल्यू कंपनी इशू शेयर। जैसे मान लो कि रांची में रिलायंस एक बिल्डिंग खरीद लिया, बहुत बड़ा एक मॉल को खरीद लिया और उसके अगेंस्ट में रिलायंस शेयर इशू कर दिया, तो दैट टाइप ऑफ इशू इज कॉल्ड कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश में नहीं हो रहा, जैसे एसेट्स के अगेंस्ट में हम यदि शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी, तो दैट टाइप ऑफ इशू इज कॉल्ड कंसीडरेशन अदर देन कैश। इस पर कल हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, बी केयरफुल। थैंक यू।